सैम्पल रीडिंग नंबर 3, जो जो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2023 में मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी? अच्छा, जो जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने 3 कार्ड्स निकाल सकते हैं इस डेक से, कोई भी 3। सो लेट्स सी जो जो ने क्या कार्ड यूज किए हैं। एक एक्स्ट्रा कार्ड निकल गया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इनके पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। सो अभी जो है इनकी कंडीशन किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह है, यानी कि अच्छे खासे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं। पैसा का कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिच हैं, कंफर्टेबल हैं, वो है। लेकिन इनको केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है आप देख सकते हैं कि एक इंसान दूसरे को बांध करके, मुंह बांध करके और बेहोश करके उसके जो है तलवारें उठा के ये भाग रहा है, यानी कि उसकी पीठ में चुरा मार के भाग रहा है, कुछ चुरा के भाग रहा है। तो ये कार्ड बिट्रेयल का या किसी को कोई आपको धोखा देने का उसका संकेत ये कर सकता है। तो उस मामले में थोड़ा केयरफुल रहें कि ऐसा कोई काम आप ना करें जिसको किसी को ऐसे करने में आपको इजी हो जाए। तो स्कैमर्स से दूर रहिए। कोई आपको टेलीफोन कॉल्स आते हैं, कोई आपको कहता है कि आपका पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट कराएंगे कि यू नो डबल हो जाएगा, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। और 10 ऑफ कप्स है, खुशी का कार्ड है, लेकिन ये रिवर्स्ड है तो एनर्जी ब्लॉक्ड है। और ये एनर्जी इसीलिए ब्लॉक्ड है बिकॉज आपके पास ये होने के चांसेस हैं, स्कैमिंग के चांसेस हैं, पैसा लूज होने के चांसेस हैं। तो वो एनर्जी जो ब्लॉक्ड है उस पर आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, तो ये भी चेंज हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव हो सकती है। काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, अभी आप कंफर्टेबल हैं। ये मेजर आर्कैना कार्ड नहीं है तो हम लोग इतना प्रॉब्लम उसमें नहीं देखते, और थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है फाइनेंसेस के मामले में। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपने आप निकला था, ये भी पेंटिकल्स का ही कार्ड है, पेंटिकल्स का कोर्ट कार्ड है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा मच्योर नाइट है, कुछ भी करने से पहले सोचता है, रुकता है, अपना टाइम लेता है, तो वो करने की जो जो आपको ज़रूरत है। मुझे टैरो पढ़ते हुए अब करीब 19 साल हो गए हैं, 2004 से मैं कर रही हूँ और अब प्रोफेशनली कर रही हूँ। और आप बुकिंग डिटेल्स वीडियो के नीचे सब देख सकते हैं। और इस चैनल पे मैं अपने वीडियोस डालती रहूँगी, अपडेट्स डालती रहूँगी। प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करें और टच में रहें। थैंक यू।